कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई इस वीडियो को बनाते बनाते, आई एम सॉरी। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने रियल होम मेकिंग चैनल में। आज एक्चुअली मेरे दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी, तो मैंने सोचा इस तरीके से आमने सामने बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ और अपने दिल का हाल सुनाती हूँ, बताती हूँ कि मेरी लाइफ में अब क्या होने वाला है, व्हाट आई एम अप टू। तो सोचा कि टॉक सीरीज़ का पार्ट टू बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि मैं इंडिया जाने वाली हूँ। यस, मैं वेकेशन के लिए इंडिया जा रही हूँ फॉर गुड 2 मंथ्स। ये प्लान बहुत ही एब्रप्टली बना, बहुत ही इंस्टेंट प्लान था। लाइक अ वीक अगो हम लोग शाम को ऐसे बैठे थे सोफा पे एंड हम लोग चेक कर रहे थे कि शिकागो से क्या फेयर लगता है, एयर फेयर क्या है इंडिया तक का, लाइक दिल्ली तक का, एंड हमें दिखा कि काफ़ी अच्छी डील थी। तो हमने फटाफट से टिकट्स बुक करा ली और इस तरीके से हमारा तुरंत तुरंत प्लान बन गया। तो मैं और गोविंद दोनों जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आप सब जानते हो मेरे हस्बैंड ने अभी 2 महीने पहले ही न्यू जॉब स्टार्ट की है, तो उनको तो छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी अभी। तो सोचा कि मैं और गोविंद एक बार होकर आते हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो लास्ट ईयर आए थे, हमसे मिल चुके हैं वो लोग, बट मेरे इन लॉज को, हम तीनों को ही देखे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि बेटा जी जब भी तुम लोगों को टाइम लगे एक बार ज़रूर आ जाओ, छुट्टियाँ मनाने आ जाओ। तो सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है, गोविंद की परफेक्ट एज है जब वो सबके साथ जल्दी से मिंगल हो जाता है, जल्दी से फ्रेंडशिप कर लेता है, और अभी उसका स्कूल भी नहीं है, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है अभी उसकी, तो वो काइंड ऑफ फ्री है। तो मैं भी थोड़ा सा फ्री माइंड से जा सकती हूँ विदाउट एनी टेंशन कि यार बच्चे का स्कूल छूट रहा है, बच्चे की एक्टिविटी क्लासेस छूट रही हैं, तो आराम से थोड़ा सा लंबा वेकेशन हम मना के आ सकते हैं, और आते ही फिर उसका प्री स्कूल वगैरह स्टार्ट मैं करूँगी। तो ये एकदम परफेक्ट टाइम था, और अभी जो ये अपनी फैमिली से मिलेगा, सबसे बातें करेगा, रिकग्नाइज करेगा, तो फिर जब आके फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे जब ये बातें किया करेगा तो सबको पहचान भी लेगा, क्योंकि लास्ट दो बारी जब ये इंडिया गया है तो बहुत छोटेपन में गया है, तो इसको तो कुछ याद भी नहीं है। तो इसीलिए सोचा कि ये अब हमने सोचा कि ये एकदम परफेक्ट टाइम है गोविंद की मेमोरी के लिए भी, कि वो अपने सबसे जाकर मिले, सबको पहचाने अपने घर वालों को। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा वेकेशन मना कर आते हैं, और मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों के साथ व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। आज तक मैं आपको अपने रोल्स दिखाती रही हूँ एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ होम मेकर, बट नाउ आई विल शो यू हाउ आई एम एज अ डॉटर, एज अ डॉटर इन लॉ। मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, कहाँ मैं पली बड़ी हूँ, कहाँ मैं दुल्हन बनकर शादी कर कर गई थी, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। अपनी मम्मी के घर का टूर कराऊंगी, अपने ससुराल का आपको टूर कराऊंगी, और मैं आपको बताऊं मैं बहुत ही बड़ी जॉइंट फैमिली से आती हूँ, पैटर्नल साइड भी मैटर्नल साइड भी मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। मैं कोशिश करूँगी आपको अपने सब रिलेटिव से मिलाऊँ, अपने चाचा लोगों से, अपनी बुआ लोगों से, अपनी मामी लोगों से, मौसी से, मौसी के बच्चों से, चाचा के बच्चों से, सबसे मैं आपको कोशिश करूँगी मिलवाने की। बट मैं नहीं जानती कि कितने लोग कंफर्टेबल रहेंगे कैमरा के सामने आने के लिए, बिकॉज मैं ही हूँ अपनी फैमिली में फर्स्ट जिसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उन लोगों को अभी शायद यूट्यूब का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। तो कोशिश करूँगी कि जितने लोग कंफर्टेबल होंगे उनको ज़रूर कैमरा में लेकर आऊँगी, और अगर कंफर्टेबल नहीं भी हुए तो थोड़ा सा उनका क्लिप बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और वॉइस ओवर करके बता दूँगी कि वो कौन है। बट सबको मैं मिलवाऊँगी आप लोगों से, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक़ है एथनिक कपड़े पहनने का, जो कि शौक़ मैं यहाँ पूरा नहीं कर पाती। तो कोशिश करूँगी इंडिया में हर रोज़ कुछ ना कुछ एथनिक अच्छा पहनूँ, और इस बार तो मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं कि मेरे जो एथनिक कपड़े अभी तक वहाँ रखे थे वो सब मैं वापस लेकर आऊँगी यहाँ, और कुछ नए एथनिक कपड़े अपने लिए बनवाऊँगी, सूट वगैरह, साड़ी वगैरह, गोविंद के लिए कुछ और अच्छे से एथनिक कुर्ते वगैरह लेकर आऊँगी जो दिवाली वगैरह पर मैं उसे पहनाऊँ, अंशुल के लिए कुछ लेकर आऊँगी। तो यही सब है, काफ़ी एक्साइटमेंट है, मैं विदाउट ब्रेक बोले जा रही हूँ, बट यस मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बट एट द सेम टाइम एज अ वाइफ मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ अकेले छोड़ के जाऊँगी। शायद जो लेडीज़ यहाँ रहती हैं वो मुझसे कनेक्ट कर पाएँ इस बात से कि
हम लोग जब यहाँ रहते हैं तो हमारा वो माइक के जाने वाला इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता कि हम हर महीने या हर 4 महीने 2 6 महीने में माइक के जा रहे हैं, तो हम लोग तो सालों साल में कभी जाते हैं। तो हमारे जो हस्बैंड के साथ हमारा जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नॉट जस्ट एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ फ्रेंड्स भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो उनको छोड़ के जाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी है मुझे, क्योंकि आप शायद मेरे व्लॉग्स में सब देखते ही हैं कि मैं जो हूँ सोल अथॉरिटी हूँ, जो घर का देख रेख करता है। आई मेक श्योर कि मेरे हस्बैंड के कपड़े इन प्लेस हैं, उनको प्रॉपर टाइम पे खाना मिल रहा है, उनको प्रॉपर टाइम पे उनका लंच मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है। बट अब मैं चले जाऊँगी कुछ टाइम के लिए, तो मेरे हस्बैंड को सब कुछ ये अपने आप हैंडल करना पड़ेगा, साथ साथ जॉब भी हैंडल करनी पड़ेगी। दो ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही कैन डू एवरीथिंग, बट एज अ वाइफ मुझे थोड़ा सा एंजाइटी है, और डेफिनेटली मैं उन्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। जब मैं अपने स्पेसिफिकली ससुराल जाती हूँ और अपने बेडरूम में जाती हूँ जहाँ पे हमारी फोटोज़ वगैरह लगी हैं साथ में शादी के टाइम की, तो उस टाइम पे मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो ये तो है, बट ठीक है, लाइफ है, साथ में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि उनको इतनी सारी छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तो ठीक है, मैं गोविंद को लेके जाऊंगी, उसको मिलवाऊंगी उसकी फैमिली से। और गोविंद की बात करें तो गोविंद भी बहुत एक्साइटेड है। अगर उसको ये बताओ कि डैडी बेटा ऑफिस जाएंगे और मम्मा और गोविंद नानी होम जाएंगे, दादू होम जाएंगे, तो वो बहुत सैड हो जाता है। वो कहता है नहीं, डैडी भी हमारे साथ नानी होम जाएंगे, दादू होम जाएंगे। बट जब उसे ये बोलो कि गोविंद एरोप्लेन में बैठ के नानी होम जाएगा, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तो यस, उसे एक्साइटमेंट है। दो से अभी थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि मम्मी क्या बात कर रही है, कौन नानी होम कौन दादू होम, बट इवेंचुअली वो समझेगा, जाएगा, देखेगा अपनी फैमिली को। और अब मेरे आने वाले व्लॉग्स में आपको मेरी शॉपिंग दिखेगी, पैकिंग दिखेगी, मेरी एक्साइटमेंट दिखेगी, और फिर कुछ इंडिया के व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था नवंबर 2017 में, और जब लास्ट टाइम मैं इंडिया गई थी वो था अप्रैल 2017। तो कोई भी इंडिया का व्लॉग अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखा मैं कहाँ से आती हूँ, मेरा घर कैसा है, तो वो सब मैं अब आपको दिखाऊंगी। और अपनी मम्मी की रेसिपीज कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो उनको बोलूँगी जो मुझे पसंद है वो लोग वो बनाएंगी, और मैं उसकी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो रेसिपीज डेफिनेटली मुझे भी बाद में हेल्प करेंगी, जब मैं यहाँ आ जाऊँगी तो उनकी रेसिपीज देख देख के मैं अपने लिए भी यहाँ पर बनाऊँगी। तो यस, आप मेरे फेस से देख सकते होंगे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एट द सेम टाइम थोड़ी सी एंजाइटी भी है मेरे अंदर, जैसा कि मैंने फिर से बोला कि मेरे हस्बैंड यहाँ रह जाएंगे। और मेरा मन था कि मैं रक्षाबंधन से पहले चले जाऊं, क्योंकि रक्षाबंधन 15 अगस्त की है, बट कुछ टिकट्स का रहता है, जब आप इतनी दूर से जा रहे होते हो तो आप सब कुछ देखते हो कि टिकट्स अप्रोप्रिएट मिले, प्राइस अप्रोप्रिएट रहे, डेट अप्रोप्रिएट रहे, तो रक्षाबंधन का नहीं हो पाया। मैं रक्षाबंधन के 4 दिन बाद जा रही हूँ, 19th को है मेरी फ्लाइट एंड आई विल बी कमिंग बैक इन मिड अक्टूबर। तो जब तक मैं वापस यहाँ आऊँगी तो शायद यहाँ पे तो ठंड भी हो जाएगी, बट मैंने टिकट्स कुछ ऐसी कराई हैं कि जो मेजर हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि करवा चौथ है, दिवाली है, वो मैं अपने घर में मनाऊँ अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ, एज अ फैमिली हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करें, तो वो सारे फेस्टिवल्स मैं यहीं आकर मनाऊँगी। बट येस, इस बार दशहरा मेरा इंडिया में होगा, नवरात्रे जो सारे पड़ते हैं वो सब इंडिया में होंगे, और गोविंद का 3rd बर्थडे इंडिया में पड़ेगा, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2 बर्थडेज ऑलरेडी हम लोग उसके यहाँ मना चुके हैं, तो इस बार हम उसके दादी दादा के साथ, नानी नाना के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड पता है आप लोगों को किस लिए हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना 2 बच्चे बॉर्न हुए हैं। एक 2017 में मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा बॉर्न हुआ था, मेरी ननद का, और 2018 में मेरी भाभी का बेटा बॉर्न हुआ था। तो मैंने अपने भांजे को भी नहीं देखा और मैंने अपने भतीजे को भी नहीं देखा अभी तक, तो मैं उन दोनों बच्चों से मिलूंगी, उन दोनों को देखूंगी फर्स्ट टाइम, और देखूंगी कि गोविंद उन लोगों के साथ कैसे खेलता है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बस अपने घर जाने की एक्साइटमेंट तो अलग ही होती है, आप सब समझ ही सकते होगे, जब इतनी दूर से आप लोग जाते हो। तो मेरी मम्मी तो यही कहती है कि जब बच्चे घर आ जाएं वही दिन दिवाली मन जाती है, तो यस कुछ ऐसा ही हाल दिल का मेरा भी है।
जब जाएंगे तो सारे दिन त्योहार के जैसे ही लगेंगे, सारे दिन सभी लोग आएंगे मिलने, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सभी से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत टाइम हो जाता है जब यहाँ रहते हो तो नहीं मिल पाते हो अपनी फैमिली से, कहीं ना कहीं आप मिस करते हो। ठीक है, आपको यहाँ की सराउंडिंग्स बहुत पसंद आती हैं, आप यहाँ पे हर वीकेंड घूमते हो, बट कहीं ना कहीं एक जो छोटी चीज़ होती है ना कि आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो, वो कहीं नहीं जाती। आप सच्ची में अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो यहाँ रह के, और स्पेसिफिकली जब अगर कोई आपकी फैमिली में शादी हुई है या फिर आपकी फैमिली में कोई बेबी बॉर्न हुआ है, उस टाइम पे आप अगर नहीं जा पाते तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, आप लोगों के साथ इंडिया के व्लॉग शेयर करूंगी मैं। और चलो अब ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई इस वीडियो को बनाते बनाते, आई एम सॉरी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर से मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।